नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा कलकटा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी पिछले दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और सिंकिंग शिप की रिपोर्ट, फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति और करंट प्लांट ट्रांसफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटैलिटी द्वीपों में वैश्विक स्थिरता मानदंडों के अनुसार पर्यटन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। वहीं द्वीपों के सीएस श्री जितेंद्र नरेन ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि लेट्स गो ऑल आउट, गॉड ब्लेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये ट्वीट नई केंद्र प्रायोजित योजना पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किए जाएंगे, इस पर हैशटैग भी दिया गया है, हैशटैग मिशन एडिबल ऑयल। धन्यवाद। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी ने आज एक बार फिर ट्वीट कर जानकारी साझा किया है उसी मोटरसाइकिल के विषय में। डीजीपी सर ने अपने ट्वीट में लिखा है, इस मोटरसाइकिल की लंबी कहानी है। इस मोटरसाइकिल के मालिक ने इस वाहन को स्क्रैप डीलर को 3,000 रुपये में बेच दिया था, लेकिन स्क्रैप डीलर ने किसी दूसरे गाड़ी का नंबर प्लेट लगाकर इस मोटरसाइकिल को इस नाबालिग लड़के को, जो तीसरे नंबर का खरीदार है, 24,500 रुपये में बेच दिया, जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है और नंबर प्लेट भी फेक है। वहीं इस नाबालिग के पिता ने नाबालिगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे कहा है। वहीं डीजीपी सर ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि इस नाबालिग के पिता को 25,000 रुपये का फाइन ट्रैफिक चलान के तहत भरना होगा। पुलिस वाहन के इंजन और चेसिस नंबर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से इस वाहन के असली मालिक की खोज में लगी है। खोज के बाद शायद कहानी में कुछ और बदलाव आए। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन 8 महीनों में अवैध प्रवासियों और उनके सुविधाकर्ताओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में अवैध प्रवासियों को प्रमाण पत्र जारी करना मुश्किल होगा। भ्रष्ट तत्वों को पता चल जाएगा कि उन्हें अपने अपराध के लिए वर्षों बाद भी जवाबदेह बनाया जा सकता है। वहीं डीजीपी सर ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि पिछले 8 महीनों में अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने बुराई, नशीली दवाओं के तंत्र में हस्तक्षेप, ड्रंकन ड्राइविंग एक्सीडेंट्स और भ्रष्टाचार, संपत्ति में भ्रष्टाचार, पुलिस आपराधिक नेक्सस, पुलिस फोर्स में भ्रष्टाचार और असंतुष्ट बेनामी संपत्ति के अपराध में पर्याप्त निगरानी रखे हुए हैं। द्वीपों में पुलिस डिपार्टमेंट को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।